किसका पीबी और इसका आपका है इस, ठीक हो गया टिन, टिन का मतलब दोनों की परसेंटेज क्या होंगी 50-50 होंगी आपका ना, तो इसका मतलब अब क्या हो गया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडा इज लेस देन, इज लेस देन प्योर मेटल पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है सर, प्योर मेटल है याद रखिएगा, ठीक हो गया सर। इसीलिए सोल्डर इज एन एलॉय विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, एलएमपी लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर वेल्डिंग, इसीलिए इसका यूज वेल्डिंग में या सोल्डरिंग में इसका यूज किया जाता है। जी जो इक्विपमेंट होता है सर, मतलब वो करने वेल्डिंग की उसमें वाला लगाया इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह में जो छोटे छोटे आपका नहीं होते जैसे वो एक गन टाइप की होती जिससे करते हैं वो भी है, या आपका नहीं देखते आप लोहे की नहीं होती है ग्रिल वगैरह जब बनाते हैं सोल्डरिंग तो करते हैं उसमें इतनी बड़ी रॉड लेकर के। इसके बाद देखिएगा एमलगम, एमलगम आपका जो होता है मरकरी, मरकरी के साथ आपका भी वन और मोर मेटल्स आपका इस नोन एजर का कोई भी आप डाल दीजिएगा इसमें आपका देखो ना जी जी इसमें एमलगम में आपका नाउ कंसिस्टिंग इसमें मरकरी, मरकरी के साथ आपका सिल्वर भी आप डाल सकते हैं, इसके साथ आपका टीन भी आप डाल सकते हैं और इसके साथ आपका जिंक भी आप डाल सकते हैं आपका नाउ देखो दिस। तो अगर आप क्या करेंगे मरकरी के साथ आप सोडियम डाल देंगे तो जैसे सोडियम मरकरी और प्लस अगर आपने सोडियम डाल दिया आपका नाम तो ये आपका क्या हो जाएगा सोडियम एमलगम हो जाएगा, सोडियम एमलगम उसके नाम से इसको जानते हैं। इसीलिए इसका जो यूज किया जाता है आपने देखा होगा डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं ना फॉर फिलिंग इन टीथ, दांतों में जो आप डालते हैं उसको आपका एमलगम कहते हैं। और इसके बाद आपका आदेश होता एलॉयस ऑफ सोना, दिस इज गोल्ड सर, सिल्वर प्लस गोल्ड, कॉपर प्लस गोल्ड जी, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड एयू आपका हुआ इन टर्म्स ऑफ कैरेट, एग्जैक्टली सर ऑफ कैरेट्स, ये कैरेट्स में आपका होता है तो प्योर गोल्ड आपका ना जो होता है ये 24 कैरेट का आपका होता है 24 आने शुद्ध आपका नाम प्योर गोल्ड 22 का मतलब हुआ उसके 22 पार्ट जी भी। और लेकिन ये जब आपका 24 कैरेट होगा ये आपका नाम बहुत ज्यादा आपका सॉफ्ट होगा, वेरी सॉफ्ट होगा, ड्यू टू इस सॉफ्टनेस कैन नॉट बी मेड द ज्वेलरीज, ये आपका ज्वेलरीज नहीं बनाई जा सकती है इसके सॉफ्ट होने की वजह से। तो आप इसका क्या करेंगे अगर गोल्ड में आपका नाम आप सिल्वर मिला दें या गोल्ड में अगर आप कॉपर मिला दें, ये दोनों चीजें आपका नाम देखो तो ये आपका इसका गोल्ड की एलॉयज बन जाएगी, जब ये एलॉयज बन जाएगी अब आपका देखो ये क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगी आपका नाम ना, इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, समझ रहे हैं मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये हो गया सब आपका बिकॉज इट बिकम्स इजियर टू वर्क, इसको काम करने में भी आपका टूटेगा नहीं, थोड़ा सा हार्ड होगा हो गया आपका ना देखो। और हमारे देश में इन इंडिया में, हमारे इंडिया में गोल्ड ऑर्नामेंट जो हम बनाते हैं जो जैसे आपने अंगूठी बनाई या आपने ना चेन बना दी आपका ना इज यूजुअली मेड ऑफ 22 कैरेट्स में इसका बनाया जाता है, 21 भी चलता है, 21 भी चल जाता है, 22 भी चल जाता है। अब वो तो देखो जैसा आपका सुनार होगा आपका नाम देखो जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि 22 पार्ट में आपका क्या हो जाएगा 22 और प्लस 2 आपका ये हो गया आपका नाम देखो तो 22 पार्ट्स प्योर ये आपका प्योर गोल्ड, पीसी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है प्योर गोल्ड, और ये 2 जो आपका पार्ट होगा ये 2 पार्ट तो प्योर गोल्ड होगा, 2 पार्ट इसमें से सिल्वर का हो जाए या आपका नाम कॉपर का हो जाए आपका नाम देखो ठीक है ना।
तो इसलिए। और इसके बाद जो लास्ट आपका नाम बता रहा हूं, द आयरन पिलर एट दिल्ली, दिल्ली में जैसे दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है, अशोक स्तंभ जी, अरे मैरली में है, ये दिल्ली में मेड अप ऑफ, ये जो कुतुब मीनार आपका बनाया है, दिस इज द डब्ल्यू आर ओ यू जी एस टी रॉट आयरन से इसको बनाया गया है, मतलब रॉट आयरन का मतलब विच इज ए लो कार्बन स्टील, विच इज अ लो कार्बन स्टील, जिसमें आपका ये दिस इज कॉल्ड द रॉट आयरन आपका नाम दोगे। और ये लगभग इट इज मेड अराउंड 400 बीसी बिफोर द जीसस क्राइस्ट आपका कहते हैं बाय इंडियन आयरन वर्कर्स ने, जो लोहे का काम करने वाले थे उन्होंने इसको बनाया। तो थ्रो रॉट आयरन रस स्लोली विद द टाइम, बट द इंडियन आयरन वर्कर्स हैड डेवलप्ड इट्स प्रोसेस, उन्होंने इसका प्रोसेस आपका किया जिससे कि आपका नाम जो रॉट आयरन पिलर था उनको प्रिवेंट किया गया इवन आफ्टर 1000 इयर्स, आज हजारों साल हो गए लेकिन आज भी वो वैसे के वैसे हैं। तो द रस्टिंग हैज बीन प्रिवेंटेड बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ जो आपके रॉट आयरन होंगे उसके बाहर से आपका क्या क्या होगा, इसमें थिन फिल्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका लगा है, मैग्नेटिक ऑक्साइड लगा दिया था इसके, यानी कि मैग्नेटिक ऑक्साइड का मतलब Fe3O4 की आपका नाम देखो दिस ऑन द सरफेस, इससे आपका क्या फिनिशिंग आपका ट्रीटमेंट आपका पिलर्स का हो गया। और पुटिंग इट इनटू द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, हीटिंग हो या क्वेंचिंग हो, जिनको आप रैपिड कूलिंग आप कहते हैं, आयरन पिलर्स आपके लबालबर अगर वहां देख लेंगे, ये आपका 8 मीटर आपका हाई है, 8 मीटर हाई, और लबालबर इनका जो वजन है 6 टन का मतलब 6000 kg आपका हो गया। तो द आयरन पिलर्स एट दिल्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये आपका हो गया, तो नाउ दिस अलॉय इज फिनिश्ड।